नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,234 नए मामले सामने आए हैं और 6,506 संक्रमित व्यक्ति इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट 81.88% हो गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 5,299 संक्रमित लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 61,698 संक्रमित मामले हैं, जिसमें से 31,791 लोग होम आइसोलेशन में हैं। यूपी सरकार ने नॉन कोविड चिकित्सालयों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप ओपीडी सेवा संचालित कराने और सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक गंभीर खबर सामने आई है। लखनऊ के 4 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के 48 मरीजों की मौत हो गई। ये मरीज या तो रेफर हुए थे या सीधे भर्ती कराए गए थे। इतनी संख्या में मौतें होने पर लखनऊ के डीएम ने चारों अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। डीएम ने कहा है कि अगर इलाज में लापरवाही हुई तो एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश और देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि कोरोना को लेकर भाजपा सरकार की लापरवाही घातक है, इसका परिणाम जनता क्यों भुगते। सरकार बताए कि इस संबंध में उनकी दीर्घकालिक नीति क्या है या वो जनता को दुख देकर ही खुश होते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने की जगह महा अभिनेता गण फिल्म सिटी बनाने की घोषणा व आत्म स्तुतिगान करवाने में लीन है। यूपी में बुधवार को कई इलाकों में बारिश ने गर्मी से अच्छी राहत दिलाई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से गाजीपुर समेत यूपी के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क था, बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही बारिश देखने को मिल सकती है। लखनऊ के नजदीक हरदोई स्थित संडीला अब एक और खास वजह से जाना जाएगा। संडील में ब्रिटेन की मशहूर वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर का उत्पादन होगा। इस रिवॉल्वर की कीमत करीब 1.60 लाख रुपए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर से ये उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। देश में हथियार निर्माण करने वाली ये पहली विदेशी कंपनी होगी। इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी ने भारत के सियाल ग्रुप से करार भी किया है। यूपी की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।